नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं देखिए लगातार जो है लोकसभा चुनाव को लेकर जो है हम राजमहल लोकसभा क्षेत्र के दौरे पे हैं। लगातार हर जगह जाके जनता की बातों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, कितना कार्य हुआ, कितना विकास हुआ, इन सारे चीजों पे गौर कर रहे हैं और लगातार अपने माध्यम से आवाम तक पहुंचाने की काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है जनप्रतिनिधि हुए, प्रत्याशी हुए, जिला अध्यक्ष हुए, विधायक हुए, इन सारे लोगों का हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं और जनता तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि आखिर कौन पार्टी कितना कार्य किया, कितना विकास किया और आगे उनकी योजनाएं क्या हैं और कैसे जो है जनता के बीच जाके उनके बातों को सुनेंगे, उनकी योजनाओं को समझेंगे और अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को वहां तक पहुंचाएंगे। उसी क्रम में अभी हम राजमहल में मौजूद हैं और हमारे साथ जेएमएम के पूर्व प्रत्याशी भी हैं और आपको बता दें कि पिछली बार सेकंड रहे थे, कुछ चंद वोटों के कारण जो है इनको हार का सामना करना पड़ता था, पर इस बार ये कटिबद्ध हैं कि हर हालत में जो है इस बार जो है इनको जो है जनता यहाँ का पसंद कर रही है, जनता के बीच जा रहे हैं, उन्हें पसंद कर रही है और उनका कहना है कि इस के पहला चरण पे लाएंगे और विनर भी बनाएंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद है कटिबंधन शेख जी, तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेके कि आखिर कितना किस तरह की समस्याओं से जनता की बातों को ये सुन रहे हैं, कि दुष्कर्म निदान करने का वादा कर रहे हैं, इनका मैनिफेस्टो क्या है। और आपको हम बता दें कि आज से पद यात्रा ये शुरू कर रहे हैं हेमंत जी के रिहाई को लेके। कल उपवास था, कल धरना था और आज से पूरे प्रदेश में जो है पद यात्रा शुरू हो रहा है। साथ में आज से राजमहल में भी ये पद यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो विस्तार से हम इनसे ही जानेंगे और अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। नेशन 24 में सर आने के लिए आपका बहुत बहुत सभी को आपके चैनल के माध्यम से झारखंडी जोहार। आज से हम लोग पद यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, न्याय यात्रा। ये जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बिना कारण के आज अरेस्ट कर लिया गया है और बिना सबूत का ही आज एक मुख्यमंत्री को जब अरेस्ट करके भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर रखा जा सकता है तो आम जनता के साथ क्या हो सकता है, ये पूरे देश के लोग समझ रहे हैं, सिर्फ झारखंड के लोग नहीं समझ रहे हैं। और आज के समय में अगर हेमंत सोरेन जी को हीरो बनाने का काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ईडी, सीडी और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कान खोल करके सुन ले, आप जिस मकसद से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट किए हैं, गिरफ्तार किए हैं ईडी के द्वारा, कि आपका मंशा है कि लोकसभा चुनाव में अगर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेते हैं तो हमको यहाँ से झारखंड से फायदा होगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहूंगा कि कान खोल करके सुन ले, इस बार चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलने के लिए नहीं जा रहा और आज से उसी के लिए हम लोग न्याय यात्रा अपना विधानसभा से राजमहल प्रखंड, उधवा प्रखंड और साहेबगंज प्रखंड से निकाल रहे हैं। राजमहल प्रखंड से कन्हैया स्थान से हम लोग पद यात्रा शुरू कर रहे हैं, उधवा प्रखंड से दरगाह डंगा मजार है वहां से शुरू कर रहे हैं और साहेबगंज प्रखंड से आपका ललबथानी पंचायत से हम लोग वहां से पद यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। और यह पद यात्रा भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी का राजनीति बोरिया बिस्तर समेटने का काम करेगा। क्या लगता है आपको कि इस न्याय यात्रा में लोगों का कितना जन समर्थन मिलेगा? लोग तो पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, गठबंधन के साथ है और आज झारखंड के कोने कोने ही नहीं पूरे देश के कोने कोने से आवाज आने लगा है कि हेमंत सोरेन तुम मत घबराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और आने वाला समय में अभी जो कुछ ही दिन में लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ आदिवासी ही नहीं, देश के हर युवा, हर लोगों का दिमाग में एक बात आ गया है, दिल में बात आ गया है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो के द्वारा जो भी किया जा रहा है यह बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अगर हेमंत सोरेन गलत होते तो कब के कब भारतीय जनता पार्टी में चले जाते। आप देखे ही होंगे कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो वो दूध का धोया हुआ साबित हो गया। लेकिन हेमंत सोरेन को ये लोग ना खरीद सका ना झुकाने का काम किया है। हेमंत सोरेन ना झुकेगा ना हटेगा, ये डटा रहेगा और ये कान खोल करके सुन ले भारतीय जनता पार्टी। एक हेमंत सोरेन को आप अगर जेल में भर देते हैं तो ये मत समझ लीजिए कि हेमंत सोरेन झारखंड से चला गया है। एक एक बच्चा, एक एक लोग झारखंड का हेमंत सोरेन है। साथ साथ देश का जितना भी आदिवासी है आज मन मना लिया है कि हेमंत सोरेन जेल में है, इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी इस बार आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और आपको जेल का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। यानी कि मान के चले कि यदि ये बीजेपी की बात को मान लेते हैं या उसमें शामिल हो जाते हैं तो ये जो आज इनको जेल जाना पड़ा है या जो जो इन पे आरोप प्रत्यारोप लग रहा है वो नहीं होता। सवाल ही नहीं है। आप
क्या बोलते हैं हेमंत सती के क्या नाम है उनका, उन लोग को देख लीजिए और भी कितने लोग नेता है जो जितने भी बगल में ही है नीतीश कुमार। हाँ नीतीश कुमार जी अभी देख लीजिए उसके तरफ पलट गए, उसका सारा सारा दोष धुल गया और एकदम लगता है वो दूध का धोया हो गया। अगर हेमंत सोरेन जी उसके पास चले जाते हैं, इनका तो चुनौती ही था कि आप हमारे साथ आ जाओ ताकि लोकसभा चुनाव में हमको फायदा मिले, लेकिन ये नहीं होने जा रहा है। सूत्र ये बता रहे थे कि ये कोशिश कर रहे थे जाने का, ऐसा कुछ नहीं। ये सब ये भारतीय जनता पार्टी लोग जब से सरकार बना झारखंड में, आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जब से सरकार बना 2 साल कोरोना काल में चला गया और इधर 2 साल हेमंत सोरेन जी को ईडी के द्वारा पूरे का पूरा परेशान करने का काम किया गया ताकि हेमंत सोरेन झारखंड का विकास का कोई काम नहीं करे। उसके बावजूद जब हेमंत सोरेन विकास का काम करते रहे और बच्चों से लेकर के बूढ़ा तक को सम्मान देने का काम करने लगे तो ये भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हुआ, इनको डर पैदा हो गया कि ये गलत कर रहा। आज के बाद हो सकता है हेमंत सोरेन को अगर हम लोग जेल में नहीं डालते हैं, बदनाम नहीं करते हैं, तो आने वाला लोकसभा चुनाव में और विधानसभाओं में हमको हार का मुंह देखना पड़ेगा, इसलिए हेमंत सोरेन के पीछे ये लोग लगे। देखिए बीजेपी का कहना है कि अभी 14 सीट में से 2 सीट ही सिर्फ हम पिछला बार हारे थे, 12 सीट हमारे पास था और इस बार वो 2 सीट जो चाईबासा का और राजमहल का है वो भी हमारे हिस्से आएगा और हर हालत में इस बार 14 के 14 लोकसभा सीटों पर जो है इस बार परचम फैलाएगा बीजेपी या एनडीए जो इनका गठन। देखिए उस समय बीजेपी का लहर बताया जा रहा है और अब तो पूरा जनता देश का जनता समझ गया है कि बीजेपी का ये लहर नहीं है, इस बार कहर चल रहा है बीजेपी का कहर से लोग कतरा गए हैं, भयभीत हैं और मन बना लिए हैं कि हर हाल में इस बार बीजेपी को हार का मुंह दिखाना पड़ेगा और उसको हराने का काम, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम पूरा देश का जनता झारखंड का जनता करेगी। और भारतीय जनता पार्टी कान खोल करके सुन ले, झारखंड से लोकसभा में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जीतने नहीं दे रहे। लहर चल रहा है और आपने कहा कहर चल रहा है, तो कहर को हम किस संज्ञा में लें, पक्ष में लें कि विपक्ष में, डर में लें या फिर खुशी में लें? आप कहर तो कहर है, कहर किसके ऊपर कहर नहीं हो रहा। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितना भी वादा किया गया, एक भी वादा अगर पूरा किया है तो बताइए, सबके खाता में 15 लाख रुपए दे देंगे, प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपका स्मार्ट सिटी बना देंगे, कुछ भी अगर वादा पूरा किया तो बोलिए। आखिर कितना दिन धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और धर्म का राजनीति अब खत्म होने जा रहा है, जनता समझने लगा है और भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि जब तक लोग अनपढ़ रहेंगे तब तक हम बांट करके काम करते रहेंगे। और अब भी अगर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में किसी को कैंडिडेट बना रहा है तो वो सिर्फ धर्म के नाम पे, ना कि विकास के नाम। मंदिर निर्माण में जो हुआ, जिसके 22 का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसको भी आप क्या समझते हैं कि वोट बैंक की राजनीति है? चलिए वो मंदिर का हम सम्मान करते हैं, चलिए वो ठीक है अपने जगह, लेकिन मंदिर भारतीय जनता पार्टी का देन नहीं है। मंदिर जहां बना, बनना चाहिए था, बना अच्छा है, उसका हम स्वागत करते हैं और बधाई भी देते हैं, लेकिन मंदिर को लेकर के आप राजनीति करेंगे और दूसरे तरफ नौजवानों का रोजगार छीनने का काम करेंगे, देश के लोगों को धोखा देने का काम करेंगे, 15 लाख रुपए की बात करके उसको ठगने का काम करेंगे, किसी वरिष्ठ लोगों का जो आज से पहले आपको याद होगा जब ट्रेन में एक 60 साल का बुजुर्ग जाता था तो उसका आधा टिकट लगता था, आज उस बुजुर्ग लोग का सीनियर सिटीजन को जिसको सीनियर सिटीजन बोलते हैं, सीनियर सिटीजन का आज यही आप एक टिकट काटिए सीनियर सिटीजन को जा नहीं पाते हैं। दूसरे और तीसरे तरफ ये जो जितने भी स्कूल थे सबको मर्ज करने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी के समय, एक समझने का बात है, स्कूल को मर्ज नहीं किया जाता है बल्कि स्कूल का विस्तार किया जाना चाहिए था, ये सब लोग समझने लगा है। और मैं विश्वास दिलाता हूं इस झारखंड से इस एक लहर होगा कि भारतीय जनता पार्टी यहां से सफाई हो रहा है और इसका ये सफाया धीरे 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 पूरा देश में इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में वापस देश में नहीं आ रहा है। बीजेपी ने यहाँ तक आरोप लगाया है कि आपकी सरकार आपके द्वारा अब वो आवास ये 3 जो इनपॉइंट जिसको लेके आपके पूरे क्षेत्र में दौरा हुआ, पूरा प्रदेश में दौरा हुआ, ये भी एक वोट बैंक कीजिए क्योंकि चुनाव नजदीक आ चुका है। देखिए भारतीय जनता पार्टी घबरा गया है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम ये 3रा साल था और ये 3रा साल का कार्यक्रम देख करके आज से पहले पदाधिकारी आपके द्वार नहीं पहुंचता था, आपके गांव नहीं पहुंचता था, पब्लिक को उसके द्वार, उसके गांव, उसका ऑफिस पहुंचना पड़ता था, बहुत लोग तो पदाधिकारी से डर कर देते, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने सभी झारखंडियों को एक हिम्मत दिलाने का काम किया
कि पदाधिकारी आपका है और आपके द्वार तक पहुंचेगा। सरकार आपकी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के द्वारा सारे पदाधिकारी उसके द्वार तक पहुंचे और उसकी समस्या सुनने का काम किया और लाखों लोगों का समस्या का समाधान हुआ, स्पोर्ट में भी समाधान हुआ। आप देखते होंगे आज से पहले जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, मैं खुद यहाँ का चेयरमैन हूँ और जब भी कहीं निकलता था तो एक बुजुर्ग जब सामने आ जाता था और कहता था या फिर कहती थी कि बेटा यहाँ पानी तो हो गया है, पीसीसी तो बन गया है या फिर नहीं बना है उससे मतलब नहीं है, हम 60 साल का हो गया है, 70 साल का हो गया है, 80 साल का हो गया है, लेकिन मेरा पेंशन बनवा दो। लेकिन उस समय भी एक समस्या आता था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक टारगेट दिया हुआ था कि इस साल मात्र 600, 500 या 10% या 5% वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा बुजुर्गों का विधवाओं का समस्याओं को उसका दुख को समझने का काम किया गया और घोषणा कर दिया गया कि झारखंड में किसी का भी अगर 60 साल हो जाता है और कोई भी माँ बहन अगर विधवा हो जाती है तो हर हाल में उसको पेंशन दिया जाए। और ये सब उपलब्धि देख करके भारतीय जनता पार्टी घबरा गया है, बरगला गया है। इस अगर भारतीय जनता पार्टी घबराए नहीं है सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार से, तो फिर इसी के जवाब में एक दूसरा तरह का एक योजना चल रहा है, उसका योजना के बारे में गांव चले अभियान, ये सब घबरा करके कर रहा। और तो स्टेट है, बहुत जगह उसका सरकार है, कहां उसका उसको कोई बेनिफिट दिया जा रहा है। ये गांव चले अभियान में जा करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या समझ, क्या पूछते हैं जाकर के, आपका पेंशन हुआ है? नहीं, अभी एक महीना कम है, एक महीना कम है, चलो इसको नोट करो जी, एक महीना बाद इसका पेंशन हो जाना चाहिए। अरे यार तुम पहले तो गिना, पहले तो बता सकते थे कि आज से पहले जब तुम्हारा सरकार था तो तुम क्या 100% पेंशन दिए थे? क्या किसी को किसी का राशन कार्ड दिए थे? पहले क्या था कि एक राशन कार्ड कटेगा तो फिर एक राशन कार्ड में नाम जुटेगा, यह बीजेपी शासनकाल में होता था। लेकिन जैसे ही झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बना, गठबंधन का सरकार बना, उसी समय तुरंत 15 लाख नया राशन कार्ड बना और फिर दूसरा फेज में 5 लाख राशन कार्ड बना। इसका मतलब सरकार बनने से 20 लाख नया लोगों का राशन कार्ड बना, या नहीं कि 20 लाख लोगों का राशन कार्ड कटा। तो ये सब इस तरह का बहुत सारा उपलब्धि है जिसको देखकर भारतीय जनता पार्टी घबरा गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा से। इनको घबराने का जरूरत भी है क्योंकि यहां से इनको हम लोग विदा कर रहे हैं। अच्छा, एक खास बात बताइए कि ये आपके ही पार्टी के हैं, लोबिन हेम्ब्रम जी हैं, हमेशा विरोधाभासी बयान देते रहते हैं और अभी उन्होंने सशर्त समर्थन भी दिया है, क्या लगता है कि इसके पीछे उनका मंशा क्या है? या फिर अभी उनको मंत्री में भी नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही है पार्टी में? ऐसा कुछ नहीं है, लोबिन बाबू तो हम लोग का साथ थे, हम लोग के साथ है। बाकी पार्टी में आला अधिकारी से कुछ ना मन मुटाव हो जाता है, उसके विरोध में उसका कुछ था मन मुटाव, लेकिन ना कि गुरुजी से ना कि हेमंत जी से किसी तरह का मन मुटाव है। अभी भी आप समर्थन के समय देखे होंगे वो खुल करके ऐलान कर दिए कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं, साथ रहेंगे, लेकिन हम उसका उनका कुछ मांग है, उनका कहना है कि हमारा ये मांग पूरा होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे या फिर मांग को मांगते रहेंगे। ठीक है, ये अच्छा चीज है, अगर कहीं किसी तरह का कमी बुझाता तो वो मांग अपना रखा और आश्वासन भी उनका मिला है, उनको मिला है कि उसका मांग को पूरा किया जाए। क्या लगता है इस बार मतलब 14 के 14 सीट आपके हाथ आ रहा है? निश्चित, इसमें कोई दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पूरा झारखंड के जवाब देने का काम करेगा कि हेमंत सोरेन को आप अंदर रख करके, ये जो समझ रहे हैं कि एक ही हेमंत सोरेन ही था जो यहाँ के विकास का बात करते थे या फिर विकास के बारे में समझाते थे, विकास की राजनीति करते थे, इसके जाने के बाद विकास की राजनीति खत्म हो जाएगा, घबराइए मत। हेमंत सोरेन हम लोग को बहुत कुछ सिखा के गया है, पार्टी के सारे एक एक कार्यकर्ता को सिखा के गया है कि जनता का विकास कैसे करना है, जनता को लेकर के कैसे चलना है, और ये जनता को लेकर के चलने हैं और जनता एक मैसेज देने का काम करेगी कि 14 का 14 सीट हम लोग हर हाल में यहाँ से हराएंगे। आवाम का कहना है कि सांसद जो अभी यहाँ पे जेएमएम के हैं विजय हालदार जी, उनके द्वारा जो है बहुत सारे योजनाएं जो है धरातल पे नहीं लाया गया है, विकास नहीं हो पाया है और इसका जो है जो खमियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है, क्या लगता है कि इस तरह की बातें जो है अनर्गल है या फिर विकास सच में नहीं हुआ? ये सब बकवास बात है। देखिए, हमारे लोकप्रिय सांसद विजय कुमार हांसदा जी क्षेत्र में जितना रहते हैं और जितना काम किए हैं ये किसी से छुपा नहीं है। आप चौक चौराहे में आप निकल जाइए, हर चौक में हर जगह आपको विजय हालदार जी का शिलान्यास पाठ देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ शिलापट देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ अनंत ओझा जी का भी मिलेगा। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं
कि इस सरकार से पहले भी आनंद ओझा जी विधायक थे 5 साल, उस 5 साल का सिलापट देख ले और इस 5 साल का सिलापट देख ले, 10 गुना का अंतर है। और यह 10 गुना का अंतर इसलिए है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी किसी का पक्षपाती नहीं करते हैं, बराबर रूप से विकास का काम किए हैं। हर गली में देखिएगा जाकर के अनंत ओझा जी का बोर्ड है और उसका एकमात्र देन है, उसका एकमात्र श्रेय जाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, हेमंत सोरेन को। ये बात किसी से छुपा नहीं है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि 18 छापे पड़े हैं ईडी के आपके इशारे पे। देखिए ईडी का छापा किसके इशारे पे पड़ रहा है और क्यों पड़ रहा है आपको समझना पड़ेगा। आप हेमंत सोरेन जी को ही देख लीजिए, मान लीजिए अभी उठा पूर्व मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहे और उसको उठा लिया गया और अब तक साबित करने का काम नहीं किया गया है। जिस जमीन का कागज को लेकर के, जिस जमीन का मालिकाना हक लेकर के उनको अरेस्ट किया गया और हेमंत सोरेन जी दावा कर रहे हैं, अगर हिम्मत है तो उस मालिकाना या फिर उसके नाम का कागज को पटके वो जिंदगी भर के लिए राजनीति संन्यास ले लेंगे या झारखंड छोड़ करके चले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को और इनके ईडी को तुरंत जमीन का कागज को पटकना चाहिए। ये तो उसको पेंडिंग में रखा है, फिर दूसरा मामला को खंगाल रहा है कि इसमें ना सही दूसरे किसी चीज में हम लोग फंसाएंगे। कभी गाड़ी के मामले में आ जाते, ये तो गाड़ी का मामला, तो ये बच्चा वाला काम हो गया। एक गाड़ी उठा लिया, एक गाड़ी का चेसिस नंबर, अगर उसमें नंबर प्लेट ना भी लगा हो, इंजन नंबर चेसिस नंबर से ही हम पता लगा लेते हैं कि किसके नाम से है। इस पर तो बात ही नहीं होना चाहिए, वहां नाम दूसरे का हो रहा है और घसीटा जा रहा है हेमंत सोरेन को। ये सारे लोग समझ रहे हैं, भारत देश का जनता और झारखंड का जनता बेवकूफ नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के जनता को और झारखंड के जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। ईश्वर मान के चलें कि यहां की जनता जो है आपको दूसरे नंबर से पहले नंबर पे ला देगी। देखिए जनता जनार्दन है, उसका जो निर्णय था उसका हम सम्मान भी करते हैं, लेकिन इस बार जनता मन बना लिया है कि हर हाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा का यहाँ कैंडिडेट जीतेगा और ऐसा वैसा जीत से नहीं जीतेगा। मैं आपका आपके चैनल के माध्यम से आज बता दे रहा हूँ कि इस बार मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से चुनाव लड़ूंगा और 25,000 से 30,000 वोट से जीतूंगा। अंतिम सवाल है सर कि क्या संदेश देना चाहिएगा अपने आवाम को, अपने प्रदेश के लोगों को कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से वो वोटिंग। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंड के लोगों को संदेश देना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी अगर सूबे के मुख्यमंत्री को बख्श नहीं सकता है, उसको अंदर कर सकता है और दंगा फसाद जात पात की राजनीति करके बांटने का काम कर रहा है, जिसके कारण आज सिर्फ एक वर्ग या एक जाति वर्ग के लोग ही अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के चलते देश के हर जाति हर धर्म के मानने वाले लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने बच्चे को सारे लोग बाहर पढ़ाते हैं और हमेशा डर बना रहता है कि हमारा बच्चे के ऊपर किसी तरह का कोई हमला ना हो जाए या फिर किसी तरह का आज जो देश का माहौल है जात पात को लेकर के, तो और इसको बढ़ावा देने वाला, इसको फैलाने वाला भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को 2024 का लोकसभा चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम करें ताकि आपका बच्चा का भविष्य बना रहे। आपका बच्चा का भविष्य बनेगा तभी आपका भविष्य बनेगा। इसी के साथ मैं सभी को झारखंडी जोहार के साथ। तो अभी आप सुन रहे थे कि राहुल सेठ जी को, जिन्होंने बहुत बेहतर व्यवहार ढंग से हर तीखे सवाल का जो है बेहतर ढंग से जवाब दिया है और उन्होंने बताया भी है कि किस तरह के समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है जनता को और क्यों विकास की गाथा अवरुद्ध हो रही है बीजेपी की अड़ंगा के कारण और हेमंत सरकार के साथ किस तरह से नाइंसाफी हुई है। इन सारी चीजों पर उन्होंने चर्चा और परचर्चा किया है और इस बारे में कहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आप देख लीजिएगा कि जनता ने मन बना चुके हैं और इस बार जो दूसरा नंबर पे पिछला बार हम आए थे इस बार पहले नंबर पे आएंगे और विधायक बनने के बाद जो विकास की अवरुद्ध हुआ है यहाँ पर उस सारे चीजों को जल्द से जल्द पूरा करते हुए एक बेहतर स्वच्छ का और बेहतर राजमहल पंचायत को विधानसभा को बनाने का काम करेंगे। आप देखें नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।